सांभा, कालिया तू कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? ए भौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है बता? अरे ओ भौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? शाबाश। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब एकड़ी इनकी, सब एकड़ी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो क्या कोई जुर्म करते हैं? कोई जुर्म नहीं करते, मैं कहता हूं कोई जुर्म नहीं करते। बस अब इसके बाद अगर किसी ने अपना सर उठाया, मैं उसका सर। सर, तुम इन दोनों को बहुत सूरमा समझते हो ना? ये किराए के टट्टू इसी चौपाल में मेरे पैरों पे सर रखकर दया की भीख मांगेंगे। इन पैरों पे सर रखकर। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। चलो चलो। चाहे
ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वह खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए, इसे मालगाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं, जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं उठा सका। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, डरपोक हो। नहीं, बहुत लंबी कहानी है, उन दिनों की बात है जब मैं बेरापुर थाने में था। मैंने खबर मिली गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा और मैं गब्बर के पीछे। तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह एक आदि और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका जनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत 20 बरस की कैद बामशक्कत देती है। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर? दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर।